सो हे दोस्तों, तो यहाँ पर मेरे पास काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं Redmi 8 सीरीज को लेके। भाई यहाँ पर Redmi 8 सीरीज में लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई भी न्यू अपडेट नहीं मिल रहा है। काफी लोगों के यहाँ पर मन में डाउट है, क्या हमें अपडेट अब मिलना बंद हो चुके हैं, क्या हमें अपडेट नहीं मिलेंगे, और मिलेगा तो कौन सा नया अपडेट होगा, कब तक मिलेगा। तो भाई यहाँ पर काफी लोगों के मेरे पास डेली कमेंट्स आए थे, काफी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया अपडेट के रिगार्डिंग। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कब तक अपडेट मिलेगा, मिलेगा भी या फिर नहीं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ Redmi 8 सीरीज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर Redmi 8 सीरीज के बारे में बात करूँ तो Redmi 8 सीरीज के लिए अपडेट हमेशा डिले पर डिले होते जा रहे हैं। पहले अपडेट काफी अच्छे मिलते थे, बट अब यहाँ पर ये अपडेट डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब ये डिवाइस काफी ज्यादा पुराना होते जा रहा है। और आप लोगों को पता है Xiaomi की पॉलिसी की कुछ ऐसी है, मतलब यहाँ पर जो भी डिवाइस ओल्ड होते जाते हैं तो उनको अपडेट्स भी लेट मिलते जाते हैं। यानी कि पहले स्टार्टिंग में 3-3 महीने के गैप में अपडेट्स मिलेंगे, फिर यहाँ पर 6-6 महीने के गैप में अपडेट मिलेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो Redmi 8 सीरीज, Redmi Note 8 सीरीज, Redmi Note 8 में भी लगभग 5 से 6 महीने हो चुके, अभी तक अपडेट नहीं मिला है। ग्लोबल में मिल चुका है, इंडिया में नहीं मिला है, बट इंडिया में तो आने वाले समय में मिल सकता है। लेकिन Redmi 8 सीरीज की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ ही दिन पहले, लगभग उसके लिए भी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 मंथ का टाइम हो चुका है कि Redmi 8 ड्यूअल के लिए एक न्यू अपडेट मिला था, MIUI 12.5.6.0 का अपडेट। उस समय Redmi 8 और Redmi 8 A में नहीं मिला, सिर्फ Redmi 8 ड्यूअल में मिला। तो क्या अब यहाँ पर इनमें से किसी भी डिवाइस को अपडेट मिलेगा या फिर नहीं? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अपडेट आपको डेफिनेटली मिलेगा। MIUI 12.5 इनहेंस एडिशन का भी अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनहेंस एडिशन अपडेट को लेके काफी लोग के सवाल होते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि अपडेट नहीं मिलेगा, कुछ लोग बोलते हैं अपडेट मिलेगा। मैं आपको एक ही चीज क्लियर कर दूं, अपडेट डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है। इनहेंस एडिशन का अपडेट देना है या नहीं देना है ये तो Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बट उस लिस्ट में आपके डिवाइस का नाम मिल जाता था जिसकी वजह से यहाँ पर अपडेट तो मिलना चाहिए उस हिसाब से, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कम से कम अब यहाँ पर डिवाइस ओल्ड हो चुका है तो आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, अपडेट डेफिनेटली आप लोगों को मिलने वाला है एक नए सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। और Redmi 8 A में कुछ दिन पहले काफी ज्यादा टाइम हो गया है, मतलब काफी ज्यादा कुछ महीनों पहले अपडेट देखने को मिला था, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं मिला। तो यहाँ पर अगर आपके पास Redmi 8 का डिवाइस है, Redmi 8 A का डिवाइस है, Redmi 8 Dual का डिवाइस है, तो आपको मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में अपडेट डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको टाइम नहीं बता सकता, ना ही कोई डेट बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2-3 वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक एक्सपेक्टेड डेट बताई थी, मतलब एक वीक बता दिया था, एक मंथ बताया था कि अपडेट आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके का लग रहा था कि अपडेट आ जाएगा, बट अपडेट नहीं आया। तो यहाँ पर कोई भी कन्फर्म डेट नहीं है, कोई भी कन्फर्म वीक नहीं है, क्योंकि यार Xiaomi ही बता सकती है अब अपडेट कब रिलीज करना है। बट मैं आपसे एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो, और जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको खुद ही वीडियो के जरिए बता दूंगा। मैं चाहता हूँ कि यार आप लोगों को भी इनहेंस एडिशन का अपडेट मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहे, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह फिक्स होकर देखने में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होकर देखने के लिए मिल जाए। बट यार Xiaomi के हाथ में अपडेट कब रिलीज करना है। तो जिनके पास भी Redmi 8 सीरीज का डिवाइस है ना, आपको इंतजार करना, पहले तो आपको मई एंड तक वेट करो। अगर मई एंड तक कुछ डिवाइसों में अपडेट मिल गया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली जून के मंथ में तो आप लोग को अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो जून के मंथ का तो आपको इंतजार करना है, आप लोग मई एंड तक भी वेट कर सकते हो अगर मिल गया। काफ़ी लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई हमें अपडेट मिल सकता है, जल्दी मिल सकता है, तो आप लोग मई एंड तक वेट करो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो जून के मंथ में तो डेफिनेटली आप लोग को अपडेट मिलेगा, और डेफिनेटली तीनों ही डिवाइस में अपडेट मिलेगा। बट किस डेट पर आएगा, किस वीक में अपडेट आएगा, ये कंफर्म नहीं है। तो अगर आप लोग Redmi 8 सीरीज का डिवाइस यूज़ करते हो तो काफ़ी लोग के यार सवाल हो रहे थे कि अपडेट मिलेगा या फिर नहीं। MIUI 13 की तो अभी बात ही छोड़ दो, पहले इनहेंस एडिशन का अपडेट मिलने दो, उसके बाद बात करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर आपके पास Redmi 8 सीरीज का डिवाइस है तो आप लोग के डिवाइस में अभी कौन से बग्स देखने के लिए मिल रहे, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यार 5-6 महीने हो चुके तो डेफिनेटली कोई ना कोई बग्स तो आपको फेस करने पड़ रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कब तक अपडेट मिल सकता है। बाकी Redmi 8 सीरीज का डिवाइस यूज़ करते हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर दो, ताकि अपडेट आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा, वीडियो के जरिए पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में।